नमस्कार क्लास, मैथमेटिक्स इजी वे में मैं पवन सर आपका सबका स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन स्टडी में हमने कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर जिसे बोला जाता है भूमिति के मूलभूत संबोध, इस प्रकरण को हमने क्या किया है, शुरू किया है। आज हम लोग 1.2 के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने 1.2 तक सभी सवालों को हल कर चुके हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, 1.3 पे जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंस मुद्दों को समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आपको ज्योमेट्री में ये सब चीजें दिखाई देंगी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सशर्त कथन क्या होता है, मतलब कोई कथन जो होगा क्या हो, शर्तों के आधार पर उसमें शर्त लिखा हो, और शर्त कैसे लिखी होती है, यदि तो के उपयोग करके लिखा जाता है। जो सशर्त कथन होता है उसे कैसे लिखा जाता है, यदि और तो का उपयोग करके लिखा जाता है। जैसे लिखा जाए, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसकी समूह भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं। यानी कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जो सामने वाला चतुर्भुज अगर क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज रहेगा, तो उसकी समूह भुजाओं की दोनों जोड़ियां क्या रहेगी, परस्पर समांतर होंगी। यानी कि मैं एक चीज में बता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो ही ये क्या है, संभावना है। यदि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुआ तो ही समूह भुजाएं क्या होंगी, समांतर होगी। इस कथन को क्या बोला जाता है, सशर्त कथन। घर में भी आपको कभी कभी क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है। जैसे मम्मी से आपने 10 रुपया मांगा, तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी बोलेगी अगर तुमने मेरा, यदि तुमने ये मेरा काम किया तो ही मैं 10 रुपया दूंगी। यानी कि मम्मी ने भी क्या कर दिया, शर्त लगा दिया। क्या शर्त लगा दिया, कि मम्मी द्वारा किया हुआ काम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको 10 रुपया नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कथन को क्या बोला जाता है, सशर्त कथन। मेरे ख्याल से भी आप समझ गए होंगे। फिर आपको टीचर्स के कथन बहुत सारे हमेशा ऐसे मिलते हैं कि यदि आपको, यदि मतलब आपको पता बता दे रहा है कि यहां पे अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको ये चीज क्या होगी, प्राप्त होगी। अगर आप मेहनत, यदि आप मेहनत करेंगे तो ही आपका परिणाम क्या होगा, अच्छा प्राप्त होगा। आपको परिणाम क्या होगा, अच्छा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये सब पत्रों को क्या किया जा रहा है, यदि और तो का उपयोग करके दिया लिखा जा रहा है। तो ये यदि और तो वाले जो कथन होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, सशर्त कथन। तो जब भी आपको बोला जाएगा सशर्त कथन में बदलो, यानी कि आपको वाक्य को या कथन को क्या करना है, यदि और तो के उपयोग करके लिखना है। उसमें क्या होता है, एक भाग को पूर्वाध बोला जाता है और एक भाग को क्या बोला जाता है, उत्तराध। पूर्वाध कौन होता है, जो यदि के बाद लिखा होता है और तो के पहले होता है, उसको बोलते हैं पूर्वाध। उसको क्या बोलते हैं, पूर्वाध। जो यदि के बाद लिखा होता है लेकिन तो के क्या होता है, पहले होता है, तो भाग को क्या कहा जाता है, पूर्वाध। और वाक्य में जो तो के बाद लिखा होता है उसे कहा जाता है उत्तराध। क्लियर। तो सशर्त कथन में यदि के बाद जो लिखा होता है पूर्वाध है, और तो के बाद जो लिखा रहता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तराध। आगे समझते हैं विलोम। विलोम में क्या किया जाता है, इसी कारण सेंटेंस को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब ये उत्तराध जो होता है वो क्या होता है, पूर्वाध बन जाता है, और पूर्वाध जो बन जाता है वो क्या होता है, उत्तराध होता है। यानी कि सेंटेंस को घुमा दिया जाता है। क्लियर। जैसे अब आपने मम्मी के सामने शर्त कर दिया, उल्टा कर दिया, मम्मी अगर तुमने 10 रुपया दिया तो मैं आपका काम करूंगा। अब विलोम हो गया ना, पहले मम्मी आपके सामने शर्त रख रही थी, अब आपने मम्मी के सामने शर्त कर दिया कि मम्मी अगर आप मुझे 10 रुपया दोगी तो ही मैं आपका काम करूंगा। ये सेंटेंस को क्या बोलते हैं, उस पहले वाले कथन का विलोम बोलते हैं। विलोम मतलब क्या करना, उत्तराध को पूर्वाध बना देना और पूर्वाध को क्या कर देना, उत्तराध कर देना। तो इस कथन उसे बोला जाता है कथन का विलोम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखिए गणित में कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जिन्हें सीधी नहीं किया जा सकता, लेकिन जानते ही बात सत्य है, लेकिन उसे किसी तरीके से सिद्ध नहीं कर सकते, तो ऐसे गुणधर्मों को कहा जाता है अभी भी। जैसे सबको मालूम है एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, आप कुछ डायग्राम के माध्यम से ऐसा दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसे सिद्ध कर सकते हैं क्या, नहीं। ये हमें पता है एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन इस बात को हम किसी शर्त या किसी
किसी गुणधर्मानुसार हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विश्व में सत्य मान लिए जाते हैं लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें मालूम है ये सारे जगह सब को सब यही बोलेंगे कि ये बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है लेकिन इसे कोई सिद्ध करके नहीं बता सकता। तो ऐसे गुणधर्मों को, गणित के ऐसे गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? अभिविहित कहा जाता है। जैसे हमें मालूम है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक ही रेखा होगी, ये बात सबको मालूम है लेकिन इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? अभिविहित कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं प्रमेय क्या होता है। प्रमेय वह होता है ऐसा कथन होता है, ऐसा सशर्त कथन होता है जो सत्य होता है। जो सत्य कथन क्या हो सकता है? कभी कभी सत्य भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, लेकिन उसमें यदि और दो का उपयोग किया गया तो हम उसे बोलते हैं सशर्त कथन। तो जो सशर्त कथन आपको सत्य है और उससे गणित के गुणधर्मानुसार क्या कह सकता है? सिद्ध किया जा सकता है, उसे ऐसे अभिविहित को क्या कहा जाता है? प्रमेय कहा जाता है। यानी कि ऐसे गुणधर्म गणित के ऐसे गुणधर्म जो गणित के सूत्रानुसार या आपको बताया जाए अभिविहितानुसार गुणधर्मानुसार जिसे सिद्ध किया जा सकता है, ऐसे गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? प्रमेय कहा जाता है। क्लियर? प्रमेय मतलब गुणधर्म जो गणित के सिद्ध किए जा सकते हैं उचित सत्य कथनों के माध्यम से, यानी कि कोई भी कथन के माध्यम से, सत्य कथनों के माध्यम से क्या किया जा सकते हैं? उसे सिद्ध किया जा सके, ऐसे गुणधर्म या ऐसे अभिभेद को क्या कहा जाता है? प्रमेय कहा जाता है। अब प्रमेय में तीन भाग होते हैं, आगे जब भी आप सवाल हल करेंगे तो उसमें आपको ऐसे सिद्ध करने वाले सवालों में ये तीन भाग देखने को मिलेगा। एक होता है दत्त, एक होता है साध्य और एक होता है उत्पत्ति। दत्त मतलब क्या होता है? जो यदि और दो कथन में पूर्वाद होता है उसे बोला जाता है दत्त। जो हम लोग यदि और दो वाला कथन लिखते हैं, यानी कि जो प्रश्न में दिया है कि ऐसे ऐसी शर्त है तो आपको ये सिद्ध करना है, तो ये जो आपको यदि के बाद वाला जो पूर्वाद होता है उसे क्या कहा जाता है? दत्त कहा जाता है। और दो के बाद जो लिखा रहता है उसे क्या कहा जाता है? साध्य। यानी कि जो हमें प्रूफ करना है कि हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो क्या प्रूफ करना है, तो क्या सिद्ध करना है, उसे क्या कहा जाता है? साध्य। और जिन तर्कों के माध्यम से हम उसे पूरी प्रक्रिया को सिद्ध करके बताते हैं उसे कहा जाता है उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति दो तरीके से की जा सकती है, सिर्फ एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। ओके, ये आपको कुछ पॉइंट्स से जो आपको समझना बहुत जरूरी था आगे के एक्सरसाइज के लिए या आगे के प्रकरणों के लिए, इसलिए इस पॉइंट को मैंने आपको क्लियर कर दिया और मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर है तो आप जानते हैं फंडा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। 1.1, 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर आपको है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसे आपको क्या करना है? यदि और तो के रूप में लिखना है, मतलब सशर्त में लिखना है। ये साधारण से रूप में लिखे गए हैं, ये आपको गणित के क्या है? गुणधर्म है। और इसे हमें क्या करना है? सशर्त कथन में, मतलब यदि तो के का उपयोग करके क्या करना है? सेंटेंस को पूरा करना है। चलिए एक एक को हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो पहला वाला क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वासम होते हैं। ये बात सत्य है कि जो चतुर्भुज समांतर, वैसे समांतर चतुर्भुज यहां लिखा गया, यानी कि ये क्या है? एक चतुर्भुज है। और कौन सा प्रकार का चतुर्भुज है? नाम यहां दिया गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वासम होते हैं। यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि एक चतुर्भुज है, वो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और उसकी क्या विशेषता बता रहा है? कि सम्मुख कोण सर्वासम होते हैं। मुझे यहां तो यदि और तो का उपयोग करके बताना है। तो यदि मतलब यदि के बाद जो होता है वो क्या होता है? दिया होना चाहिए कि ऐसी ऐसी घटना है तो क्या होगा, वो हमें आपको इसको क्या करना है? तो के बाद होना है, तो हमें बताना है कि सम्मुख कोण सर्वासम होते हैं, यानी कि ये तो क्या होगा? तो के बाद आएगा। और उसके पहले ये वाले पॉइंट को करना है, यदि के रूप में लिखना है। तो मैं अगर सिर्फ यहां लिख दूं यदि समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख कोण सर्वासम होते हैं, ये सेंटेंस जम नहीं रहा। अगर मैं ऐसा लिखूं यदि समांतर चतुर्भुज तो सम्मुख कोण सर्वासम होते हैं, ये सेंटेंस जम रहेगा? नहीं। इसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के लिखेंगे। मिर्च मसाला कैसे? मतलब जो सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो यदि और तो को हमें क्या करना है? उपयोग करके लिखना है, क्योंकि ये चीज क्या है? दिया गया है और ये आपको बताना है।
यानी ये भाग पूरा क्या होगा को के बाद आएगा और ये भाग को हमें यदि करके उपयोग करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, अच्छा कैसे लगेगा, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, मतलब हाँ बता रहे कि चतुर्भुज कौन सा होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम्मुख होते हैं। यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम्मुख होते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया, इसी को लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बता रहे हैं चतुर्भुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आयत होता है, वर्ग होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, पतंग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसमें से कौन सा चतुर्भुज होना चाहिए वो सर्च में बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग समांतर बताएंगे कि अगर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुआ तो ऐसे यहां लिखेंगे, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्लियर, तो ये हमारा देखो यदि भी आ गया और तो भी आ गया, यही आपको क्या करना है हर सवाल में करना है। सेकेंड बिल्कुल सेम आ गया, ये वाला समझ गया, इसको क्या आप फटाक से कर सकते हैं। यहाँ क्या बता रहा है, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। आयत है क्या, एक चतुर्भुज है, यानी फिर से वैसे लिखोगे यदि दिया गया चतुर्भुज क्या है, आयत है, तो उसके विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। खासियत क्या बता रहा, विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। विकर्ण किसको बोलते हैं, ये जो आपको सामने सामने में जो मिलाया जाता है इसको बोलते हैं विकर्ण। ये विकर्ण कब सर्वांग सम होता है, किस चतुर्भुज में होता है, आयत में। तो आपको उसको सेंटेंस में कैसे लिखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि दिया गया चतुर्भुज क्या हो, आयत हो, आयत हो तो यदि भी आ गया तो आ गया, तो क्या घटना घटती है, उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। ओके, ये हो गया। अब तीसरा एक और बचा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए इसमें थोड़ा सोचिए, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। सेम वही चीज है, यहां पर आपको चतुर्भुज की बात कर रहा था, यहां पर किस आकृति की बात कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा है। वो भी कौन से प्रकार का त्रिभुज की बात कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जैसे यहां आपने जोड़ा था सेम टू सेम वही चीज वहां करना है। तो यहां तो यहां कैसे लिखा था, यदि दिया गया चतुर्भुज, तो ऐसे यहां पे वहां क्या है चतुर्भुज की बजाय यहां पे क्या कर दोगे, त्रिभुज। यदि दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो तो आगे का पूरा लाइन जोड़ देने का। क्लियर, जब भी आकृति की बात किया हो तो ऐसा बता देने का, अगर ये आकृति ऐसी है तो ये उद्यम लागू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, कैसे लिख दोगे, यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, कौन सा त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो तो आगे पूरा जोड़ देना है, शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। हर एक यदि दो कथन में हमने क्या किया, सिर्फ बताया कि आकृति ऐसी हुई तो ये उद्यम लागू हो जाएगा। क्लियर, इसे नोट डाउन करके लिखते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बचेंगे प्रतिदिन प्रसंग, प्रतिदिन प्रसंग आप पहले खुद से ट्राई करेंगे।
जितने भी सवाल है सब पहले आपको उसे ट्राई करेंगे, क्योंकि जो सिखाया गया वही प्रतिनिधि प्रसंग में भी है। फिर भी अगर किसी भी सवाल में डाउट रहेगा तो वो उस वीडियो में आपको क्या करूंगा बना करके शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप सारे सवाल खुद से करेंगे और मुझे भेजेंगे भी, जिससे मुझे पता चलेगा आपने किया है, नहीं तो नहीं करेंगे तो बोलेंगे हाँ आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। आप सारे सवाल करिए और मुझे भेजिए, और जिस सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा उसका मैं वीडियो बना करके आपको उसे समझा करके वीडियो बना करके आपको मैं दे दूंगा, क्लियर। लेकिन प्रकरण प्रसंग का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ही करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल में आपको दिक्कत होगी, अगर होगी तो मैं क्या करूंगा आपको उसका वीडियो बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया जो कथन यहाँ दिए गए हैं इन सब का विलोम लिखिए। तो मैं आपको बताया था विलोम मतलब क्या होता है कि जो उत्तरार्ध है उसे क्या करना है पूर्वाद बनाना, जो पूर्वाद है वो क्या करना है उसे उसे उत्तरार्ध में लाना है, यानी कि यदि और तो के बाद जो है वो क्या करना पहले लाना है, और यदि पहले बाद को क्या करना है सेंटेंस को पीछे ले जाना है। तो ऐसा नहीं कि बस वहां जो यदि के बाद लिखा उसको यहाँ लिख देते उसको पीछे कर देते काम हो जाएगा, नहीं, सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए सही लगना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं आगे पीछे घुमाना, आगे पीछे घुमाना होता तब तो हो चुका है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे जैसे निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में आपने पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब उस क्या करोगे नॉट लगा दोगे तो निगेटिव बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सेम यहाँ पर भी है कि अगर इसको विलोम करने को बोला है तो सेंटेंस भी क्या होना चाहिए गणितीय रूप से सही होना चाहिए। तो चलिए पहले ये कोशिश करते हैं। बोला है दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वाक्षम होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या शर्त बोल रहा है क्या है ये बता रहा है कि अगर रेखा समांतर हुई तो रेखा अगर समांतर हुई तो क्या घटना घटेगी एकांतर कोण सर्वाक्षम होते हैं, यानी कि ये पॉइंट को हमें क्या करना है पहले लाना है। अब पहले लाना मतलब ये नहीं लूंगा एकांतर कोण सर्वाक्षम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, ऐसा सेंटेंस गणितीय रूप में नहीं चलेगा। तो उसे कैसे देखेंगे इसे थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के देखेंगे, क्योंकि रेखा एकांतर कोण कब बनते हैं जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, दो रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तभी एकांतर कोण बनता है, अंतर कोण बनता है और संगत कोण बनता है। तो कम से कम दो रेखाएं होनी चाहिए और उसको तिर्यक रेखा क्या करनी चाहिए काटनी चाहिए, इसके बाद आपको एकांतर कोण और समांतर को क्या करना है आगे पीछे घुमाना है, समझे। तो सेंटेंस में इस तरह से आपको बिठाना है, कैसे हो जाएगा मैं पहले यहां लिखूंगा, यहां समांतर पहले दिया था मैं समांतर यहां नहीं लिखूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि दो रेखाओं को यदि दो रेखाओं को उनकी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे ये घटना घटे प्लस हमें ये चीज को क्या करना है पहले लाना है कि अगर दो रेखा को उसकी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तथा एकांतर कोण सर्वांशम है हो तो अब देखो यहां तक आपको क्या हुआ ये चीज को लिखने के लिए हमें इतना बनाना पड़ा क्योंकि ये पॉइंट को भी वहां लाना था। तो हमने क्या लिखा यदि दो रेखाओं को उनकी तिर्यक रेखा क्या कर रही है प्रतिच्छेदित कर रही है और एकांतर कोण क्या हो सर्वांशम हो तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर, तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। इस तरह से देखो समांतर पीछे चला गया, समांतर पहले यहां पे आ जाएगा, यहां पे समांतर पीछे चला गया और एकांतर कोण यहां पे पीछे था ये चीज यहां पे आगे आ गया। तो सेंटेंस कैसे हो गया कि अगर कोई दो रेखा क्योंकि एकांतर कोण संगत कोण कैसे बनता है कब बनता है इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा यदि दो रेखा को उनकी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है और यहां से शर्त स्टार्ट हो रहा है अगर एकांतर कोण सर्वांशम है तो वे रेखाएं क्या होंगी समांतर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में ये लिख दिया और ये आपको बनाना है। देखिए जैसे यहां लिखा है दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतर कोण की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है, यदि ये तो विलोम लाने लिखा। अब इसी को हमें क्या करना है इस रूप में बदलना है। तो कैसे बदलोगे जो दो रेखाएं लिख रहे थे आप रेखाओं को क्या कर दोगे पहले
समांतर, क्योंकि यहां समांतर पीछे है, इसको कहां लाना है आगे, जैसे यहां देखो लिखा है दो समांतर रेखाओं, कैसे लिखोगे दो समांतर रेखाओं को उनकी तीर रेखा प्रतिच्छेदित करें। प्रतिच्छेदित करें दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करें तो क्या हो जाता है अंतःकोण संपूरक हो जाते हैं। संपूरक होती है ये देखो ये पॉइंट जो अंतःकोण पहले आपने बताया था वो कहां चलाया नीचे और जो समांतर को कहां पर किया ऊपर, तो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करें तो अंतःकोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। ये सेंटेंस को आपने आठवीं में याद किया है आपने, इसको समझा है आपको, ये पूरे चीज सेंटेंस है आपको याद रहा होगा, वही चीज को यहाँ पे लिख देना है। और तीसरा है इसको हम लोगों को बनाना है विलोम, आयत के विकर्ण सर्वांशम होते हैं। अभी हमने इसका सेंटेंस कैसे बनाया था, यदि दिया गया चतुर्भुज आयतों को उसके विकर्ण सर्वांशम होते हैं ऐसे बनाया था ना। अब हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांशम हो तो वह चतुर्भुज क्या होता है आयत होता है। आयत को पीछे ले जाना है, विकर्ण को क्या करना है आगे लिखना है। क्या लिखोगे यदि किसी चतुर्भुज के मतलब कोई भी चतुर्भुज रहे तो, किसी चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो सर्वांशम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है सेंटेंस में क्या दिया आयत है तो उसके विकर्ण क्या है सर्वांशम, मुझे इसका विलोम करना है तो मैं क्या बता रहा हूं अगर कोई भी चतुर्भुज रहे तो अगर उसका विकर्ण सर्वांशम है तो वह चतुर्भुज क्या होगा आयत होगा, यानी विकर्ण सर्वांशम तो आयत। उल्टा कर दिया यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण क्या है सर्वांशम है तो वह चतुर्भुज क्या होता है आयत होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और मैंने जैसे बताया हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रकीर्ण प्रश्न रह के सवाल को आपको खुद से करना है, अगर किसी सवाल में दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है सर इसका आप वीडियो बना करके भेजिए मैं जरूर उसका रिप्लाई आपको दूंगा। क्लियर थैंक यू।